दोस्तों कहते हैं कि घास की रखवाली अगर गाय करे तो घास सलामत कैसे रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हूंकार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। अभी हम हैं सूर्यनगर के सेक्टर 91 में, जहां आप देख रहे हैं कि एक बहुमंजिला इमारत जो कि अभी नई बनाई जा रही है, प्लास्टर का काम चल ही रहा है। इस बिल्डिंग के पीछे की कहानी क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये वही बिल्डिंग है जिसकी वजह से फरीदाबाद की राजनीति में उबाल आ गया है। मौसम भले ही ठंडा हो चला हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन राजनीति के गलियारों का तापमान गर्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आइए बताते हैं इस बहुमंजिला इमारत की कहानी। यह बिल्डिंग नगर निगम के वार्ड नंबर 23 में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तथा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के खासम खास और नगर निगम में ग्रीवियंस कमेटी के चेयरमैन ओम प्रकाश रैक्षवाल की बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग स्कूल के लिए बनाई जा रही है। उनके पैतृक जमीन है या सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग को नगर निगम के द्वारा पास नहीं करवाया गया है। यह बिल्डिंग बिना किसी नक्शे तथा सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर बनाई जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में अधिवक्ता ठाकुर कमल सिंह तंवर ने इसी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर इसे अवैध निर्माण बताया था तथा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर बड़े आरोप लगाए थे। उसके बाद पार्षद ओम प्रकाश रैक्षवाल आग बबूला हो गए और उन्होंने भी आनंद फानन में अपने और साथी इकट्ठा करके ठाकुर कमल सिंह तंवर के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी और तो और बार बार इस बात को दोहराया कि यह बिल्डिंग मेरी पैतृक जमीन पर बनाई जा रही है। दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि ठाकुर कमल सिंह तंवर द्वारा अवैध निर्माण होने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन पार्षद जी ने बड़े ही चालाकी से अपनी सफाई में यह बताने की कोशिश की कि यह बिल्डिंग सरकारी जमीन पर नहीं मेरी पैतृक जमीन पर बन रही है, लेकिन उन्होंने इस बिल्डिंग के CLU तथा नक्शा पास होने का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि मामला फरीदाबाद में अवैध निर्माण को लेकर चल रहा है। नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव ने 40 वार्ड 40 दिन अवैध निर्माणों को तोड़ने का अभियान चला रखा है, लेकिन वह अभियान गरीबों कमजोरों तथा रेड़ी पटरी वालों के लिए है या राजनीति में पहुंच रखने वाले बड़े नेताओं के लिए भी? फरीदाबाद में अवैध निर्माण सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की बाढ़ आई हुई है। फरीदाबाद के नेता सत्ता का दुरुपयोग करते हुए खाली पड़ी सरकारी जमीनों को हड़प लेना चाहते हैं तथा कमाए गए भ्रष्टाचार के पैसों से अवैध बिल्डिंग का निर्माण करके अपनी कमाई को बढ़ावा देना चाहते हैं। फरीदाबाद शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बोला गया, जिसके एवज में फरीदाबाद शहर को खूब सारे पैसे मिले, लेकिन शहर तो स्मार्ट सिटी नहीं हुआ। फरीदाबाद शहर के नेता इतने स्मार्ट हो गए, उन्होंने अपने बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर दिया, क्योंकि सत्तासीन नेताओं के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करना नगर निगम के बस की बात नहीं। यशपाल जी आए या कोई और, कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होना तय है। अगर वास्तव में शहर को स्मार्ट सिटी बनाना ही था, अवैध निर्माणों को रोकना ही था, भ्रष्टाचार को बंद करना ही था, तो इन नेताओं के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश का कानून गरीब और कमजोर के लिए अलग काम करता है, वहीं नेताओं और अमीरों के लिए अलग। छोटे छोटे मकानों पर फरीदाबाद में हथौड़े चलाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं नेताओं के अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। अब देखना ये होगा कि राजनीति का पारा कितना गर्म होता है, क्या इसकी तपिश नेताओं को झुलसा पाएगी, चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता भी भूल जाती है, अफसरों को छुपाना पड़ता है। यह मामला राजनीति के बड़े खिलाड़ियों का है, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हम आपको अगले एक और हॉट टॉपिक की तरफ लेकर चलते हैं। अगले वीडियो में हम अगले अवैध निर्माण की रिपोर्ट पेश करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए हूंकार 24 न्यूज। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।